गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी का नाम है जब गर्लफ्रेंड बनी भाभी। कहानी आपको पसंद जरूर आएगी, तो हम आपको सुनाते हैं कहानी। लेकिन एक बात कहूँगी बहुत ही जरूरी, अगर आप चाहते हैं कि कहानी को आपको और भी ज़्यादा अनुभव ज़्यादा अच्छा हो, तो अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि एकदम आपको रियल लाइफ की फीलिंग आए, तो एक काम कीजिए, हेडफोन का यूज़ कीजिए। आपको ये कहानी अपने दिल तक जाएगी और आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं आज की हमारी इस कहानी को। मेरा नाम पूरव है और ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 3 साल पहले, जब मैं कॉलेज के पहले दिन पे कॉलेज गया। यूँ तो मैं स्कूल में काफ़ी दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन क्योंकि स्कूल की पढ़ाई के बाद मैं कॉलेज में दूसरे शहर में आ गया, तो यहाँ कोई जन पहचान नहीं था। शायद सिर्फ मुझे नहीं, सभी नए नए आए थे कॉलेज के पहले दिन, सभी इन अनजान में किसी जान पहचान को ढूंढ रहे थे, और मैं भी इस अनजान में किसी अनजान या जान पहचान से अनजान किसी को ढूंढ रहा था। कॉलेज जाते ही मैंने एक बेंच पर मैं बैठ गया और फिर क्लास शुरू होने वाली थी। जब क्लास शुरू हुई तो पहला दिन का पहला क्लास, सब कंफ्यूज थे, सब चेहरे कंफ्यूज थे। एक मैम जिनका नाम पुष्पा था, वो पुष्पा मैम आई, ये नाम काल्पनिक है, और उन्होंने कहा कि हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबकी टीचर हूँ, और चलिए हम पहले दिन थोड़ी सी दोस्ती करते हैं आपस में और एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन देते गए और इन्हें जान पहचान में लोग थोड़ा सा पहचान बनाने लगे। लेकिन सच कहूँ मैं एक बात, मुझे तो पसंद पुष्पा मैम ही आ गई थी। नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन सच में वो बहुत खूबसूरत थी। सब एक एक करके जब पूछते गए, जब मेरी बारी आई तो मैं चुप होके उन्हें देखते रह गया, और उस मैम ने चौंक मेरे सर पे दिमाया और कहा, एक्सक्यूज मी, आप भूल गए, कहाँ खो गए कॉलेज के फर्स्ट दिन। मैंने हकलाते हुए कहा, मैम 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 सॉरी मैम। उसने कहा, इट्स ओके, कोई ना। और फिर वो हमसे पूछी मेरा नाम, मैंने अपना नाम बताया तो उसने कहा, गुड, चलो इतने तो भुलक कर नहीं हो, नाम याद है। पूरी क्लास में सब हंसने लगे। मैम ने कहा, थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाने की ज़रूरत है। अरे मैम की उम्र तो मैं बताने ही भूल गया, उस मैम की उम्र मेरे ही बराबर होगी, मेरे बराबर नहीं लेकिन मेरे से कुछ साल बड़ी थी शायद। बहुत खूबसूरत सी थी, एक स्काई ब्लू कलर का साड़ी पहन के आई थी और बाल खुले थे, देख के ही मेरा दिल तो उन्हीं पे पिघल गया। खैर धीरे धीरे एक लड़का जो मेरे बगल में बैठा था तो हम दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई। धीरे धीरे मैं कॉलेज में सबसे फ्रेंडशिप हो गई, ज़्यादा किसी से तो नहीं लेकिन सबसे। अब जितने मेरे अपने फ्रेंड्स बने थे उन सबको पता था कि मैं पुष्पा मैम के पीछे पागल था, इसलिए मैम के आते ही पूरे क्लास में सब मुझे देखने लगते, और शायद यही बात से उन्हें भी पता चल गया। अब क्योंकि उन्हें पता चल गया था, इसीलिए वो थोड़ी सी मुझसे उखड़ू उखड़ू जैसा बिहेव करती, लेकिन फिर भी मैं उनके पीछे पागल सा हो गया था। एक दिन की बात है, मुझे याद है शाहरुख खान की डायलॉग, वो क्लास से बाहर थी तो मैंने शाहरुख खान के डायलॉग को कॉपी करते हुए उन्हें कह दिया कि आपके ऊपर खुले हुए बाल अच्छे लगते हैं। वो उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, लेकिन बाद में जाकर मैंने देखा कि उन्होंने अपने बाल खोल दिए थे, और मुझे भी लगा कि शायद उसने मेरे लिए दिल भी खोल दिया है। अब क्या था, मैं बस इंतज़ार करने लगा, और धीरे धीरे आ गया 5 सितंबर, टीचर्स डे। टीचर्स डे में मैं वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, हमेशा साड़ी पहन के ही आती थी मेरी पुष्पा। मैंने उन्हें कह दिया कि आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही है। इस पर उन्होंने कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा कि तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। उनके मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो अब यहीं गिर जाऊँगा, दुनिया में सब कुछ बस मेरा आज मिल चुका है। उन्होंने कहा, काम डाउन, क्या सोच रहे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं मैम कुछ नहीं। फिर हकलाते हकलाते वहाँ से चला गया।
सच कहूँ तो उनसे बातें करना मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि उनके बारे में सोच कर ही मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। धीरे धीरे मेरी उनसे बातचीत बढ़ने लगी और उनसे जब मेरी बातचीत बढ़ी तो मैं उनसे प्यार करने लगा। सच कहूँ तो उनसे बातें करना मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं रोज़ इसी उम्मीद में रहता कि कब उनसे बातें हो जाएं। और सच कहूँ तो मेरी आजकल उनसे बहुत सारी बातचीत होने भी लगी थी। वो एक दिन मैंने उन्हें प्रपोज़ कर दिया। उसने कहा, क्या सोच रहे हो, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। मैंने कहा, उम्र में बड़ी हो तो क्या हुआ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। इस पर उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हें इतना ज़्यादा अपने पे विश्वास है। मैंने कहा, अपने पे नहीं, तुम्हारी आँखों पर, तुम्हारी आँखें ही सब कुछ बयां कर जाती हैं। इस पर वो हंसने लगी। हंसते हंसते वो पागल सी हो रही थी। मैंने कहा, फिर खुद को कंट्रोल तो करो। सच कहूँ तो मेरा उनके साथ ऐसे फ्लर्ट करना उन्हें पसंद आ गया था, और इतना ज़्यादा पसंद कि एक दिन वो मुझे कही कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब क्या था, हम दोनों की लव स्टोरी चल पड़ी। लेकिन इस लव स्टोरी में कुछ दिन बाद ही विराम लग गई, क्योंकि वो इस शहर से जाने लगी। हुआ कुछ यूँ कि वो अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए क्योंकि वो कॉलेज टॉप की थी तो एक साल के लिए उन्हें हमारे कॉलेज में पढ़ाने के लिए बोला गया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह से वो यहाँ से जयपुर शिफ्ट हो गई। अब जयपुर जाने के बाद मेरा उनसे बातचीत धीरे धीरे ख़त्म हो गया और ना जाने क्यों मैं उनसे बहुत दूर हो गया। याद तो मुझे वो अब भी आती थी, लेकिन पता नहीं क्यों हाल है मेरा दिल, मुझे उनसे अब बातचीत सब बंद हो गई। एक दिन पता ही नहीं चला। मैं अपनी लाइफ में ये सोच कर आगे बढ़ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लाइफ में जो मेरी वाली होगी वो मिल ही जाएगी। लेकिन सच कहूँ तो मैं उसे भूल नहीं पा सकता था। ऐसे ही मेरी समय गुजरते गुजरते काफ़ी 2 साल बीत गए। 2 साल बाद मेरे घर पर भैया की शादी थी। भैया लव मैरिज शादी कर रहे थे घर वालों के मानने के बाद, तो मैं भी उनके शादी में गया। अब मुझे लड़की के बारे में कुछ खास पता नहीं था, मैंने फ़ोटो भी नहीं देखी थी क्योंकि कुछ ध्यान ही नहीं रहा शादी में। मतलब मेरी भी जॉब लग गई थी तो मैं जॉब में बिजी था। शादी के मंडप पे जब मैं भैया के साथ गया तो जब शादी के मंडप पे दुल्हन दिखी तो मैं चौंक गया। पता है दुल्हन कौन थी? मेरी पुष्पा मैम। पुष्पा मैम की शादी मेरे भैया के साथ हो रही थी। ये दुनिया तो गोल थी मुझे पता है, लेकिन इतनी गोल कि जिसे मैं प्यार करता था वो मेरी गर्लफ्रेंड से भाभी बन जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा। जब उसने मुझे देखा तो वो भी चौंक गई। उस वक्त मैं उससे बात नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि बात करना चाहिए। लेकिन शादी के बाद जब वो मेरे घर गई तो एक दिन उसने खुद मुझसे बात किया, रिसेप्शन से पहले वाला दिन। तब उसने मुझे कहा कि तुम्हारे साथ रिलेशन टूटने के बाद मैं तुम्हारे भैया के साथ जॉब करती थी, वहीं पे मेरा उनके साथ रिलेशनशिप बना और हम दोनों साथ हैं। मैंने कहा कि ठीक है। उसने कहा, विश्वास करो, मैंने तुम्हारे भाई को या तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ। मैंने कहा, ठीक है मैं समझ सकता हूँ। फिर भैया की शादी हुई और मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद से मैं ये सब बातें मेरे घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर भैया को पता चलता कि उनकी वाइफ मेरी गर्लफ्रेंड थी तो शायद उनका रिलेशन ख़राब हो सकता था। ये गर्लफ्रेंड मतलब आज के ज़माने में क्या होता है ये तो आप जानते हैं। खैर आज भी जब भैया के साथ मैं उन्हें देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में चुभती ज़रूर थी। आखिर थी तो मेरी ही गर्लफ्रेंड ना, भले आज भाभी बन गई। दोस्तों कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन भले ही गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, लेकिन जब पता चलता है कि उसकी शादी हो रही है तो बुरा तो ज़रूर लगता है ना। अगर आपके जान पहचान में किसी की शादी हो तो ज़्यादा बुरा लगता है ना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपना जवाब ज़रूर देना। ये कहानी कैसी लगी, अब आप अपने आँखें खोल कर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।